सभी को नमस्कार। मैं लालचंद कहार, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। पिछले दो व्याख्यान हमारे कवि भवानी प्रसाद मिश्र को समझने में हो गए। पहले व्याख्यान में हमने उनका जीवन परिचय समझा, दूसरे में उनका रचनाक्रम को समझा, और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल उनकी कविता गीत फरोश के मंतव्य और विचार को समझा। अब हम इस व्याख्यान में गीत फरोश कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। पहले पद को मैं पढ़ूंगा, फिर व्याख्या करते हुए आपको समझाता हूँ। शुरू करते हैं आज का ये व्याख्यान। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए, दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं है काम बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त दर्द सरदर्द बुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। इस कविता के इस अंश का मैं भावार्थ आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो ये है कि मैं आज ऐसी गरीबी की स्थिति में पहुँच गया हूँ, विपन्नता की स्थिति में पहुँच गया हूँ, और मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे जो अपनी कविता अपने स्वांत सुखा यानी मन के को प्रसन्न करने के लिए लिखा करता था, वो कविता को अब मुझे बेचना पड़ रहा है। पहले मैं अपनी कलम को, अपनी कविता को, अपने गीत को बेचने में विश्वास नहीं करता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई, ऐसी स्थितियां बनी कि मुझे अपनी कलम बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। कि क्यों होना पड़ा और इन स्थितियों के बारे में कभी बता रहा है कि ऐसी स्थितियां क्यों आई, उन लोगों को स्पष्ट कर देना है कि शोक के लिए कोई कार्य नहीं करते, बल्कि मजबूरी में ही ऐसा कोई कार्य करना पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति अपनी कला को मजबूरी में ही बेचता है, कभी भी यही कर रहा है कि मेरे पास गीतों का अथाह भंडार है, कि बहुत सारे और तरह तरह के गीत हैं, और इस भंडार को मैं अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब बेचना चाहता हूँ। जी माल देखिए, जैसे बाज़ार में ग्राहक आता है और दुकानदार माल दिखाता है, ठीक वैसे ही हमारा कवि भी यहाँ माल दिखा रहा है। दाम बताऊँगा, पहले आप माल देखिए, फिर मैं इनके दाम बताऊँगा कि कितनी कीमत का है और मेरे पास क्या है। किस्म किस्म के हैं, बहुत प्रकार के हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा माल मिल जाएंगे। जैसे हम किसी दुकान पर जाएं और किसी एक वस्तु का विभिन्न प्रकार हम देखें और वो बताए और भी रखे हैं, ये देखिए ये देखिए, ठीक वैसे ही कभी भी किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कि कुछ गीत मैंने मस्ती में लिखे हैं, और कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, कुछ गीत मैंने पस्ती में लिखे, पस्त होके थकान होके हार कर। ये गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा, यानी कि हर जरूरत के हिसाब से मेरे पास गीत है। और ये कवि अपनी इच्छा से नहीं बेच रहा है इन गीतों को, बेचने के लिए उसको मजबूरी में ये साफ काम करना पड़ रहा है। कह रहा है कि मेरे पास गीतों का अथाह भंडार है, आप जो चाहे पसंद करो, जो चाहे जैसा गीत ले लीजिए, जो भी गीत उठाएंगे उसी गीत का कोई ना कोई अर्थ होगा, वो बिना मतलब का नहीं होगा, बिना ज़रूरत का नहीं होगा, आपके कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा। कभी फिर आगे कहता है कि ये मेरे गीत आपके किसी न किसी काम आ जाएंगे, आपके सुख दुख को किसी प्रकार का वातावरण हो उसके अनुकूल, अपनी परिस्थितियों के अनुकूल ये गीत आपको काम आ जाएगा, यानी मेरा गीत कोई भी निरर्थक नहीं है, ये गीत हर परिस्थिति में आपके काम आने वाले गीत हैं। अगर आपको मेरे गीत पसंद नहीं आते तो पता तो मैं ये बता दूं कि मेरा हर गीत काम का है,
कभी इन पंक्तियों में स्पष्ट और सरल भाषा में ये कहना चाहते हैं कि मेरे गीत किसी न किसी कार्य के लिए बने हैं, ये निरर्थक नहीं है। ये जो गीत आप देख रहे हैं वे मैंने खूब मस्ती के भाव से लिखे हैं। जब भी आप इन्हें सुनेंगे गाएंगे तो आप भी मस्त हो जाएंगे। जब भी आपका मस्ती का मूड हो आप अपनी मस्ती को दुगना करने के लिए इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो मैंने पस्त जीवन दशा के लिए पस्त जीवन स्थिति में लिखे हैं, पस्त यानी बड़े थकान की स्थिति में लिखे हैं, और ये गीत आपके सिरदर्द की दवा के समान भी साबित होंगे। कितना ही भयंकर सिरदर्द हो आप इन्हें सुन लिए, गारंटी के साथ आपका सिरदर्द गायब हो जाएगा। देखिए कवि यहाँ पर एक दुकानदार बन गया, और जैसे दुकानदार अपने हर चीज़ की हर माल की तारीफ करता है, वैसे कवि भी अपने हर गीत की तारीफ कर रहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये आपके हर बार काम आएगा। तो ये कवि की ये मजबूरी की स्थिति है कि वो अपनी कविता को अपने लेखनी को वो बेचना चाह रहा है, और बेचने के लिए वो अपने हर चीज़ को, यानी कि वो दुकानदार हो गया है। अब सोचें कि कवि को ऐसे दिन क्यों देखने पड़े। कवि को जीवन यापन के लिए और कोई चीज़ और कोई सहारा या और कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, तभी तो अपनी लेखनी अपनी कविता अपनी गीत को वो बेचना चाह रहा है। तो बच्चों इससे ये समझ में आता है कि आदमी अपनी कला को तब बेचता है जब उसके लिए पास जीवन यापन करने के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा हो। कवि के पास भी ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा है, तो इसलिए वो कहता है ना कि ये गारंटी से आपका सिरदर्द गायब कर हो जाएगा इसको सुनने से। लो मैंने ऐसे गीत लिखे हैं जिसके गुनगुनाने से प्रिय भी दूर हो तो पास आ जाएंगे, ये गीत उनको अपने पास बुला लेगा। यानी कि आपकी हर ज़रूरत के हिसाब से आपका गीत है। और हमने पहले भी जिक्र किया था पिछले व्याख्यानों में कि कवि को इस तरह का की स्थिति में कब आना पड़ा, जब वो फिल्मी दुनिया में यानी कि फिल्म उद्योग में काम करने के लिए संवाद लेखक और गीत लेखक के रूप में जब फिल्म दुनिया को ज्वाइन करते हैं, वहाँ जाते हैं, तब वहाँ फिल्मों के निर्माता और निर्देशकों की ज़रूरत और आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उनको मांग के अनुसार अपनी लेखनी को चलानी पड़ी थी, और मांग के अनुसार लेखनी चलाकर उनको पैसे मिलते थे। तो उस परिस्थिति में उनका अंदर का जो कवि था जो कलाकार था वो कितना दुख पाता होगा, कितना कष्ट पाता होगा, और उसी कष्ट का विरेचन ये कविता करती है। विरेचन का मतलब होता है हमारे अंदर की कोई पीड़ा है उसको बाहर निकालना, उससे मुक्त होना, ये विरेचन कहलाता है। तो ये पीड़ा कवि के मन में उस फिल्मी दुनिया में जाने और वहाँ के भोगे हुए समय को देखते हुए ये पीड़ा उनके मन में ठहर गई थी, और जब इस कविता की रचना हुई तब वो इनकी पीड़ा का विरेचन होता है। अगला इसका अंश पढ़ते हैं। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। इसका भावार्थ है कि मैं गीत को स्वानुभूति मानता हूँ। अब कोई भी व्यक्ति अपनी अनुभूति का सौदा नहीं करता, यदि कोई ऐसा करता है तो वह अत्यंत लज्जाजनक और हास्यास्पद है। कभी अपनी प्रतिभा का सौदा कभी नहीं करता, जब तक उसके पास कोई मजबूरी नहीं होती है तब तक कोई भी कलाकार अपनी प्रतिभा अपनी कला का सौदा कभी नहीं करता है। और जो सौदागर होते हैं वो शुरू से ही कला का सौदा करते हैं, इसलिए कवि को भी गीत बेचने में कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि वो सौदा नहीं करता। लेकिन यहाँ कवि को गीत बेचने में कोई शर्म नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि अब जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं बचे हैं, इसलिए अब वो गीत बेचने में उनको कोई शर्म नहीं आ रही है। पहले तो उनके मन में ये धिक्कार होता था कि अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी कला को बेच रहा हूँ, अपनी कविता को बेच रहा हूँ,
लिखा ने जी, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको कि पहले कुछ दिनों तक तो मुझे शर्म आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसी इस बाजार की दुनिया में आके खड़ा हो गया हूँ कि मुझे अपनी कला को भी नीलाम करना पड़ रहा है, कला को बेचना पड़ रहा है, मुझे दूसरे इशारे के ऊपर कला की सेवा करनी पड़ रही है जो कला नहीं है, शुद्ध व्यावसायिकता है। अगर हम किसी की मांग के अनुसार अगर कोई उत्पाद बनाते हैं तो वो कला नहीं कहलाती है, वो उत्पाद है। और उत्पाद हमेशा बाजार की मांग के अनुसार ही, उसकी ज़रूरत के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको कि मुझे ये काम करने में, पहले तो कुछ दिन मुझे शर्म लगी पर बाद में बाद में अकल जगी मुझको, पर बाद में मुझको अकल भी जग गई मेरी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। तो ऐसी चीज़ें सोचकर कवि ने अपनी उस शर्म को पीछे छोड़ दिया और अपना सौदा करना शुरू कर दिया। अपने गीत बेचने में उनको अब शर्म नहीं आती है क्योंकि वो अब इसके धन के, पैसे के, कीमत के, मूल्य के महत्व को समझ चुके हैं। गीत बेचकर ही मेरी विपन्नता दूर हो जाएगी, वो इस बात को जान चुके हैं। अपनी आर्थिक हालात वो ठीक कर सकते हैं, समझ में ये आ गया कि इसके कारण मेरा भविष्य सुधर सकता है, मेरा जीवन अच्छा हो सकता है, मेरे घर के हालात सुधर सकते हैं और मैं अब शर्म मुझे नहीं आती है, मेरी आजीविका इससे चल सकती है। फिर शर्म किस बात की, मेरा जीवन इससे चल सकता है। लोग तो अपने ईमान तक बेच देते हैं। ईमान, ईमान का मतलब होता है आदमी का वो आदमियत, आदमी मानव का वो मानवता जिसके जिसकी वजह से हम मानव कहलाते हैं, वो ईमान, अपनी ईमानदारी सब बेच देते हैं। मैं तो केवल अपने गीत ही बेच रहा हूँ, मैं तो अपनी कुछ कविताएं बेच रहा हूँ, इसमें मुझे किस बात की शर्म। कलाकार गीत बेचकर धन अर्जित कर रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पक्ष में तर्क भी देना शुरू कर देते हैं। कवि को बुरा लगता है तब तक बुरा लगता है, और जब अच्छा लगना लग जाता है तब वो इस बात के लिए तर्क भी देने लग जाता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो अपनी मेहनत से ही बेच रहा हूँ, वरना आज तो संसार के लोग स्वार्थ के लिए सब कुछ बेच रहे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं, अपना इंसानियत बेच रहे हैं, यह नहीं बेच भी रहे हैं, अपना ईमान, अपना रिश्ता, अपना धर्म सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। इस पंक्ति में कवि ग्राहक को अपने माल का बखान कर रहा है, ग्राहक को ये बताने का काम कर रहा है कि ये गीत कर रहा है कि ग्राहक को ये बताने का काम कर रहा है कि इस गीत को गाकर देखे ये आपके किस समय के लिए है, ये आप इसको चेक कर सकते हैं हुजूर। अंत की लाइन देखिए कि मिस जी हाँ हुजूर, मैं जी हाँ, आप नए हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, यानी कि आपको जैसी ज़रूरत है वैसे मैं गीत बेचता हूँ, आपकी आवश्यकता के सारे वो मैं गीत बेचता हूँ, इसलिए आप हैरान न हों, परेशान नहीं हों, आपकी हर ज़रूरत के गीत मेरे पास हैं, इस गीत को गाकर देखें ये आपके किस समय के लिए है, या आप इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि इसको टटोल के देख सकते हैं, इसको गा के देख सकते हैं, इसको समझ के देख सकते हैं, हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये पसंद नहीं आए और रखा है मेरे पास, वो देख लें, और ये नहीं, तरह तरह के हैं मेरे पास, किस्म किस्म के गीत हैं मेरे पास, और उन गीतों को मैं आप चाहो जितना मैं दिखा सकता हूँ, आप इसे मजाक न समझें, मैं सोच समझ कर गीतों को बेचने का फैसला किया है मैंने, इसलिए आप यह ना समझें कि मेरे पास गीत नहीं है या गीत कम है या थोड़े हैं, ज़्यादा तरह के गीत नहीं हैं, मेरे पास सब तरह के गीत है, इसलिए आप इसकी चिंता न करें, मेरे पास सब तरह के गीत है। अब मैं एक समझदार विक्रेता हो गया हूँ, मैं सोच समझ कर ये सौदा कर रहा हूँ, अब मुझे इसको अपना सौदा करने के लिए कोई शर्म भी नहीं आती है जो मुझे पहले आती थी, अब मेरी अकल जग गई है। तो हम देख सकते हैं कि एक कवि, एक रचनाकार किस किन परिस्थितियों में पढ़कर अपने गीतों की कीमत लगाता है, उनको बाज़ार में खड़े होकर बेचता है, बाज़ार की ज़रूरत के अनुसार अपने रचना को लिखता है, और ये रचना जब उसने लिखने के बाद में ग्राहकों को भी दिखाता है, देखिए ये ऐसी है मेरी रचना, ऐसा है, आपकी क्या ज़रूरत है। लेकिन एक जो स्वच्छंद कवि होता है, स्वच्छंद कलाकार होता है, जो किसी के आदेश पर नहीं चलता, अपने स्वानुभूतियों के
आदेश पे चलता है, अपने अंदर के ईमान के आदेश पे चलता है, वो कभी भी किसी के अनुसार नहीं चलता और उसकी रचना भी हमेशा वो अपने मन के अनुसार ही करता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये सारी की सारी रचना व्यंग रचना है, और जो दूसरे रचनाकारों के ऊपर, दूसरे कवियों के ऊपर कम है, स्वयं कवि पर, अपने आप पर सबसे ज़्यादा है। ये हर बड़े रचनाकार का ये विशेषता होती है कि वो व्यंग दूसरों पे कभी नहीं करता है, वो अपने आप पर व्यंग करता है, और अपने आप पे व्यंग करके उस सारे समग्र समाज पे व्यंग करता है, सारे सिस्टम पर व्यंग करता है, सारे हमारे चलाने वाले देश को, समाज को चलाने वाले उन लोगों पे व्यंग करता है जो कलाकारों की भी कीमत लगा देते हैं, कलाकारों को जीवन यापन करने के लिए अपनी कला को किस हद तक जाकर बेचना पड़ता है। तो ये पीड़ा, ये कविता, गीत प्रोश कविता फिल्मी दुनिया से वापस आने के बाद लिखी हुई गीत कविता है। तो उस फिल्मी दुनिया के वो जो भी कड़े अनुभव थे, कड़े वो कष्टदायक अनुभव थे, उन अनुभवों से कवि के मन में जो पीड़ा भर गई थी, कष्ट भर गए थे, जो बुरी अनुभूतियाँ आ गई थी, वो उन अनुभूतियों का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, और ये कविता उस कटु अनुभूतियों को विरेचन करने वाली कविता है, उनको बाहर निकालने वाली कविता है। तो आज हमने इस व्याख्यान में दो अंश इस कविता के हमने पढ़े, उनके भावार्थ को समझा, उनके भाव को समझा, और तो आज का ये व्याख्यान में यहीं रोकता हूँ, और फिर अगले व्याख्यान में इसी कविता के अंशों के अगले व्याख्यान भी मेरे आएंगे, तब तक फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए नमस्कार।